हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज लेक्चर फॉर ज्योग्राफी। ऑप्शनल टॉपिक है सेकुलराइजेशन, धर्म निरपेक्षीकरण। पेपर वन में अगर आप सिलेबस देखो तो सेकुलराइजेशन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में थर्ड लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वन टू रिलीजन। तो रिलीजन के लेक्चर में हमने लेवल टू भी देखा, लेवल थ्री भी देखा, टीले की थ्योरी तक देखा, किस तरह से रिलीजन स्टेजेस में डेवलप होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जब रिलीजन डिक्लाइन होना शुरू होता है तो सेकुलराइजेशन आता है। सेकुलराइजेशन डिफरेंट है सेकुलरिज्म से। आज तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। कल्चरल ज्योग्राफी का पार्ट है जो सिलेबस हमने रिस्ट्रक्चर किया, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन सेकुलराइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आप ऑलमोस्ट 50-70% टॉपिक्स में अप्लाई कर सकते हो, रिलीजन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, सब जगह। तो अगर हम एक बार देखें इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टडी सेकुलराइजेशन पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरह से सेकुलरिज्म से डिफरेंट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंशिएशन क्या है टेलकोट पर्सन्स का, उसमें सेकुलराइजेशन कहाँ आता है, देन डेइज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये क्या होता है, देन प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन होता कैसे है, थ्योरीज हैं जो इसकी, तो ये जो चार थ्योरीज हैं वो देखेंगे, देन इसके बाद क्रिटिसिज्म देखेंगे, देन न्यू सेकुलराइजेशन, यहाँ तक हम पढ़ेंगे लेवल टू में, इसके बाद सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। ये वाला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको लिटरली मतलब आपकी आंखें खुल जाएंगी आज के इस लेक्चर के कंटेंट को देख के, और आज के टाइम को आप उस जब रिलेट करोगे देन। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले सेकुलराइजेशन की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सेकुलराइजेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सेकुलर, उसको हम सेकुलराइजेशन कहते हैं। नाम से पता चला सेकुलर नहीं है, सेकुलर होने की प्रक्रिया, धर्म निरपेक्षता, ये होती है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षीकरण। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रही थी, इतना आपको समझ आता होगा। मोस्टली इस टॉपिक पर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ना तो ऑनलाइन, ना बुक्स में, ना ही कहीं, ना लोगों को आता है। इनफैक्ट आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में भी ये टॉपिक आई डोंट थिंक ये अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो सेकुलराइजेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होता है ऐसी सोसाइटी से जो क्लोजली खुद को आइडेंटिफाई करती है, किससे? रिलीजियस वैल्यूज से और इंस्टीट्यूशन। अब ये दो टर्म है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ की अपनी अलग वैल्यू है और इंस्टीट्यूशन की अपनी अलग वैल्यू है। ठीक है, तो वो रिलीजियस वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन से नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़ मतलब सपोज हिंदू हो आप, तो हिंदुइज्म में जो जो वैल्यूज़ हैं आप उनको मानना कम कर दोगे। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन मतलब जो रिलीजन, आप भगवान को मानते हो लेकिन आप मंदिर नहीं जाओगे। ठीक है, दिस इज डिक्लाइनिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकुलराइजेशन। अगर आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रटनी है तो ब्रायन विल्सन की आप डेफिनेशन और रट सकते हो। सेकुलराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एक्शंस एंड कंसाइंस, ये सब अपनी सोशल सिग्निफिकेंस खो देते हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेशन समझने के लिए इजी है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ब्रायन विल्सन की 1982 की आप लिख सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और पर्सपेक्टिव समझने हैं तो चेवेस की आप डेफिनेशन रट सकते हो। सेकुलराइजेशन को अगर आपको समझना है तो सिर्फ ऐसे मत रटो कि मतलब रिलीजन डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे कि जो सेकुलराइजेशन की बेसिक थ्योरीज है वो कहती है सेकुलराइजेशन मतलब डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, ऐसा नहीं है। बट सेकुलराइजेशन मीन्स डिक्लाइनिंग स्कोप ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने कहा कि आप शादी करो लेकिन आप दक्षिणा नहीं दोगे, तो दिस इज प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। ठीक है, इन अ सेकुलराइजेशन पैराडाइम्स हम पढ़ते हैं ना, वट इज दिस जो आप ये पढ़ रहे हो ना, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये पैराडाइम्स हैं ना आपके लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, एरियल पैराडाइम, रीजनल पैराडाइम क्या था, देन ये आपका स्पेशल पैराडाइम क्या था, ये डिटर्मिनिज्म का पैराडाइम क्या था। ठीक है, लोकेशनल एनालिसिस, तो इस तरह से सेकुलराइजेशन भी एक पैराडाइम है, प्रतिमान है। तो ये डेविड यामान ने, ये कहा था कि सेकुलराइजेशन पैराडाइम में क्या होता है, जो रिलीजन का नोशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि मॉडर्निटी आ चुकी होती है। ठीक, सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल सोसाइटी रिलीजियस होती है, मॉडर्न सोसाइटीज नॉन रिलीजियस या लेस रिलीजियस होती है, उसी प्रोसेस को हम सेकुलराइजेशन कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा है और मोस्टली यही प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, और सेकुलराइजेशन में अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शन की बात करें, ह्यूमनिज्म को इंक्लूड करता है, ह्यूमनिज्म और बिहेवियरलिज्म, जो एक्चुअल में रिलीजियस डिटर्मिनिज्म होता है उसकी वैल्यूज़ कम होती है। जैसे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है या लोग कहते हैं कि सपोज़ किसी की डेथ हो गई तो सब घर का सबसे बड़ा लड़का ही उसकी चिता को आग दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपने देखा होगा फीमेल लड़कियां भी ये काम कर रही हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, तो आपका रिलीजियस डिटर्मिनिज्म खत्म हो जाता है। जैसे कास्ट सिस्टम है,
कास्ट सिस्टम क्या कहती है कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप टीचर बनोगे, ठीक है, या प्रीस्ट बनोगे, और अगर आप दलित हो तो आप नहीं करोगे ये काम, ठीक है, अगर आप धोबी हो तो आपको कपड़े धोने हैं, अगर आप बार्बर हो तो आप बाल काटोगे, हेयर कट करोगे। लेकिन रिलीजियस डिटर्मिनिज्म, जब ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया तो ये लोग भी टीचर बन सकते हैं, ये लोग भी टीचर बन सकते हैं, हो सकता है ये लोग भी कपड़े धो रहे हो, एनीथिंग कैन हैपन। तो इंडिया में अगर हम इसकी बात करें सेकुलराइजेशन की, तो क्या है ये जो सेकुलराइजेशन मेनली इमर्ज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद आया है, और जो 1960s में ही, ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत आगे हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें भी 1960s के बाद ही इस तरह के चेंजेस आए हैं। तो ये सेकुलरिज्म से डिफरेंट कैसे है सेकुलराइजेशन? सीधी सी बात है, सेकुलराइजेशन इज़ अ प्रोसेस, सेकुलरिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेकुलराइजेशन प्रोसेस ऑफ बीइंग सेकुलर, ठीक है। तो ये हो गया सेकुलरिज्म क्या होता है, ऐसा बिलीफ जहाँ पे ये कहता है रिलीजन को आपको सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से अलग करना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ एंड दूसरी चीज़ जैसे एंड पॉलिटिकल, जैसे आपका मेनली ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया था, वहाँ आपका पोप चर्च इतना इंपॉर्टेंट हो गया था, पेपेसी ही डिटरमाइन करती थी। इटली में आप देखो वेटिकन सिटी आज भी है, जब इटालियन यूनिफिकेशन हुआ था एवरीथिंग हैपेंड बट वेटिकन सिटी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में क्या होता है, मेनली जो डेफिनेशन होती है ये GS1 में भी टॉपिक है, तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सिविक अफेयर्स एंड द स्टेट, दोनों चीज़ों को अलग करता है रिलीजन से। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि एक्चुअल में ये सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, तो ज़्यादातर लोग जो है सोशलाइज होते हैं रिलीजन बचपन से ही मानते हो ना, ठीक है, कि आप इस रिलीजन को, अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म की वैल्यूज़ को मानते हो और आप इसको क्वेश्चन नहीं करते हो मोस्टली, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो करने बाद में करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो आप इस्लामिक वैल्यूज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है बाद में लिबरल हो जाएं, इंटेलेक्चुअल हो जाएं, तो उसके हम थ्योरीज पढ़ेंगे, क्या क्या थ्योरीज है, क्रिश्चियन सेन की थ्योरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलीजन जो ओरिजिन हुआ था पर्सनल और इमोशनल नीड की वजह से हुआ था, ठीक है। पर्सनल नीड, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो आपने रेन गॉड बना दिया, लाइक दैट इमोशनल नीड, आप परेशान हो, मतलब यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए, तो आप भगवान से जाके मांगोगे ना कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, तो लाइक दैट, ठीक है। देन ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये जो पर्सनलाइज रिलीजन है, कि मतलब मेरा खुद का रिलीजन, मेरे लिए इंद्र गॉड हो सकते हैं, आपके लिए वरुण गॉड हो सकते हैं, तीसरे के लिए हनुमान जी गॉड हो सकते हैं, लेकिन यही पर्सनलाइज रिलीजन विद टाइम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, हमने रिलीजन के डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ भी देखा था। और फिर क्या होता है, एक ऐसी अथॉरिटी इमर्ज होती है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है वेरियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज सिस्टम कहाँ होगा, कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइज तभी हो सकता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या एनीथिंग, ठीक है। और कुछ जगह पे, जैसे कि मेनली यूरोप में हुआ करता था, रिलीजन की, इट्स मतलब रिलीजन की पावर इज पैरेलल टू दैट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी स्टेट। आज भी आप देखो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे रिलीजन की वैल्यू और स्टेट की वैल्यू, आपको लगेगा कि मतलब रिलीजन ही स्टेट को गवर्न कर रहा है। और ये ऐसा नहीं, लगभग बहुत सी कंट्रीज़ हैं ऐसी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं है, वहाँ रिलीजन ही गवर्न करता है, ठीक है। तो दिस मेक्स, इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, रिलीजन की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपको सेकुलरिज्म इंसर्ट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे CAA, उसका इशू क्या है, पाकिस्तान में 20% हिंदूज थे, अब शायद 1-2% बचे हैं, तो जो ये रिलीजियस परसिक्यूशन है इस वजह से उनका डेमोक्रेसी में से घट गया। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी अगर आपको CAA पसंद ना हो, एक्चुअल जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हो, जस्ट आई एम टेलिंग सम फैक्ट, ठीक है। तो ये इशू है, तो अब इनका डेमोक्रेसी में से बचा कहाँ, ठीक। पाकिस्तान में अगर एक क्रिकेटर जो हिंदू है, आई थिंक दानिश कनेरिया, वो क्रिकेट टीम में आए तो न्यूज़ बन जाती है कि हाँ ऐसा हुआ, कोई हिंदू जज बन जाए तो न्यूज़ हो जाती है, तो डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली नहीं है। डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, इक्वलिटी फॉर ऑल, सारे लोग इक्वल हैं। तो अल्टीमेटली फिर आपको सेकुलरिज्म वर्ड लाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कहते क्या है कि रिलीजन और रिलीजियस कंट्रोल ओवर सोशल इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिलीजन को डिनाई करो, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिलीजन को डिनाई करो, लेकिन इसका मतलब है कि रिलीजियस कंट्रोल को कर्टेल करना है सोशल फंक्शनिंग के ऊपर। तो ये सेकुलरिज्म, लेकिन एथेइज्म,
ठीक है, नास्तिकता के समतुल्य नहीं है सेकुलरिज्म का। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप भगवान को मानते नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक, आप भगवान को मान सकते हो लेकिन आप दूसरे भगवान की डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। जो सोसाइटी का टॉलरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि आप दूसरे के वे ऑफ लाइफ, कल्चर, इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो, तो सेकुलरिज्म एथेइज्म तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। सेकुलराइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अल्टीमेट कंसर्न टू प्रॉक्सिमेट कंसर्न। ये टर्म आप बहुत बार पढ़ते हो। अल्टीमेट कंसर्न क्या है? जैसे आप हिंदू धर्म की प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली आपको मोक्ष के तरीके बताए जाएंगे। भाई अंग्रेजों ने सीधे सीधे क्या कहा, मोक्ष गई भाड़ में, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें इस कंट्री की जो इश्यूज हैं आप उनको सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको प्रॉक्सिमेट कंसर्न, जो आपको इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं, आपको उन कंसर्न की बात करनी है। तो इस तरह से सेकुलराइजेशन वर्क करता है। और जैसे इसके साथ ही क्या होती है कि जैसे ही एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की तरफ मूव करती है, कलेक्टिव कंसाइंस डिक्रीज होती है। पुराने टाइम में देखो आपको मदरसा, गुरुकुल और भी इस तरह के रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, तो फिर कलेक्टिव कंसाइंस रहेगी, वो आपको अपने रिलीजन के बारे में ही सिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर कलेक्टिव कंसाइंस डिक्रीज होती है। आज भी जहाँ ये सिस्टम चलते हैं, चाहे मदरसा हो या गुरुकुल हो, वहाँ पे आप देखोगे कि उनके लिए उनका रिलीजन सुप्रीम हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में ही है, दुनिया के हर रिलीजन में है। रिलीजन धीरे धीरे एक मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस बन जाता है, क्योंकि कम्युनल एक्टिविटीज़ का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है। तो अब ये आपको जो जैसे ये नाम है ना, आई हैव रिटन, अगर आपको कोई याद हो जाए तो इट इज़ फाइन, अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट इतना ही रट लो ना, जो मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर में वही अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कहते हैं रॉबर्ट विल्ला, ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ सेकुलराइजेशन, बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर आपको रटना तो रट लो। ठीक है, जो सेकुलराइजेशन है वो हुआ था जो इनलाइटनमेंट का जो पीरियड था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजियस ट्रेडिशन यूरोप में, उसके बाद आया था, जो डार्क इरा था यूरोप में, उसके बाद सेकुलराइजेशन प्रोसेस आया हुआ है। तो सेकुलराइजेशन में अगर हम बात करें, इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ आप देखो कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन और डेइज्म, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो डिफरेंशिएशन समझते हैं क्या होता है। टेलकॉट पर्सन, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में इनका आप देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेलकॉट पर्सन से, सीधे सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सोसाइटी हमेशा कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन के साथ इमर्ज होती है। डिफरेंशिएशन मतलब, जैसे डिफरेंशिएशन आप यूपीएससी में सिर्फ एक जगह और पढ़ते हो जहाँ स्टेम सेल की बात करते हो, तो स्टेम सेल वो होते हैं जिनसे बाकी हर तरह के सेल बनाए जा सकते हैं। इससे आप सेक्स सेल बना सकते हो, इससे आप बॉडी सेल बना सकते हो, दोनों सेल बना सकते हो। यही दो टाइप के सेल होते हैं जिनसे बॉडी बनी है और जिससे आप बॉडी बना सकते हो। ठीक है, फिर इसमें बॉडी सेल में आपके ब्लड सेल आ सकते हैं, इसमें आपके मसल सेल आ सकते हैं, एनी सेल। तो वहाँ आप डिफरेंशिएशन टर्म पढ़ते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पढ़ोगे। तो टेलकॉट पर्सन कहते हैं कि सोसाइटी हमेशा कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से इमर्ज होती है। सेकुलराइजेशन भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटीज आते हैं। जैसे इकोनॉमिक परस्पेक्टिव आ सकता है, पोलिटिकल परस्पेक्टिव आ सकता है, लीगल एंड मॉरल परस्पेक्टिव आ सकता है। तो इसको हम सेकुलराइजेशन डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये कहेंगे कि अगर सिंगल सोसाइटी, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, सपोज अभी एक सोसाइटी है उसमें डिफरेंशिएशन हो गया, एक कल्चर था, उन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रुप अलग है, पॉलिटिकल ग्रुप अलग है, लीगल ग्रुप अलग है, मॉरल मतलब रिलीजियस ग्रुप, ये लोग अलग हैं। ठीक है, अब इनका अपना अलग अलग स्फेयर है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया है। लेकिन अगर सिंगल सिस्टम है, उसी के पास इकोनॉमी है, उसी बंदे के पास पॉलिटिकल पावर है, उसी के पास लीगल मॉरल पावर है, ऐसा है तो हमेशा फिर क्या होगा, इश्यूज़ होंगे, इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये चीज़ होगी उनसे फिर इमर्ज होंगे डिफरेंशिएटेड सबसेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब ये है, इनके पास पावर थी, फिर कहीं रिवोल्ट होंगे, कहीं मूवमेंट होंगे, तो अलग अलग सबसेट बनेंगे कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अलग हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया। फिर ये जोस कैसानोवा, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है रिलीजन जब आप पढ़ोगे थियोलॉजी, हालांकि अभी यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना, कभी लाइफ में पढ़ना है इनके बारे में। ही इज़ वेरी नाइस, वेरी जीनियस पर्सन। तो इन्होंने कहा जो डिफरेंशिएशन है, यही कोर और सेंट्रल थीसिस है थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन की। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को अलग कर दो, सीधे सीधे क्या है कि आपको सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अलग करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेकुलराइजेशन हो जाएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेइज्म। तो डेइज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, वो ये कहता है कि जो रेवलेशन है एज अ सोर्स ऑफ रिलीजियस नॉलेज, उसको रिजेक्ट करता है। रेवलेशन मतलब रहस्योद्घाटन। रेवलेशन कैसे होता है, मतलब कुछ चमत्कार हुआ था, उससे धरती आ गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़, समथिंग हैपन, तो आप ये जानो इससे आपको भगवान मिल जाएंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि रेवलेशन तो सोर्स ऑफ रिलीजियस नॉलेज नहीं हो सकता है। ये कहता है कि
अगर आपको सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस देखना है कि वो क्या है, उसको आप समझना है, तो आप सिर्फ दो काम कर सकते हो, रीज़न और ऑब्जर्वेशन। लॉजिक से आप नेचुरल वर्ल्ड के गॉड को इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये कंटेंट मैंने इतना इन पे क्यों लिख के दिया, डिफरेंशिएशन और डेइज्म पे, सीधे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो फिर आपको आना चाहिए, दैट्स वाई। अदरवाइज में आप एक ही पॉइंट लिख दो, अगर पूरा क्वेश्चन आए तो डेइज्म होता है, ठीक है। जैसे हम अगर थॉमस एक्विनास GS4 में इनके हम लॉ की थ्योरी पढ़ते हैं कि लॉ क्या होता है, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा, अगर हम क्रिश्चियन थॉट की, क्रिश्चियन है तो उसी की बात करेंगे, इन्होंने कहा क्रिश्चियन थॉट में तो दो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक तो रिवेलेशन, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ था, दूसरा नेचुरल रीज़न, तो दो चीज़ें हैं। और अगर आप ट्रुथ की आप स्टडी रीज़न के थ्रू करोगे, रीजनिंग लॉजिक से करोगे, तो उसको हम फिर नेचुरल थियोलॉजी या प्राकृतिक धर्मशास्त्र कहते हैं। और एज ऑफ इनलाइटनमेंट के टाइम पे स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस दो कंट्रीज़ में जब ये एज चल रही थी, ठीक है, डार्क एज के बाद में फिलोसफर्स ने रिवेलेशन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये 10 नंबर के क्वेश्चंस की तरह आप तैयार करो, अदरवाइज मतलब यहाँ तो लॉन्ग आंसर के लिए जस्ट टर्म याद रख लो कि रेवलेशन और डिफरेंशिएशन होता है। देन प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपको ये चार मेन कॉन्सेप्ट दिखेंगे। सेकुलराइजेशन थ्योरी, ये हिस्टोरिकल इमरजेंस की बात करता है, क्रिश्चियन स्मिथ ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, अपनी थ्योरी दी थी। देन कल्चर कैंप, देन गैलिकनिज्म, देन फेब्रोनिज्म, तो ये क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं आप इनको रटो, ये सीधा एग्जाम में पूछ सकता है 10 नंबर में भी, और इस क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना चाहिए। सेकुलराइजेशन थ्योरी क्या है, तो सेकुलराइजेशन थ्योरी क्या है, जैसे रोस्तोव का मॉडल है उसी तरह से सेकुलराइज, पहले सोसाइटी आपकी ट्रेडिशनल होती है, फिर धीरे 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 इस तरह से टेक ऑफ के लिए रेडी होती है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे अल्टीमेटली सेकुलर हो जाती है, नॉन रिलीजियस हो जाती है, ठीक है। तो सेकुलराइजेशन क्या कहता है, ये थ्योरी क्या कहती है, सेकुलराइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज ऑफ रिलीजन्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, रिलीजन के इन्फ्लुएंस का डिक्रीज होना बहुत सारे सोशल और इंडिविजुअल लाइफ्स में, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मतलब क्या होता है, जैसे ही सोसाइटी मॉडर्न होती है तो लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, जैसे हमने इमरजेंस ऑफ रिलीजन की जो हमने बात की थी, एग्जैक्टली वही सेकुलराइजेशन थ्योरी है। इमरजेंस ऑफ रिलीजन हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब सेकुलरिज्म में आप एक नेक्स्ट स्टेप की बात करते हो, वही थ्योरी एग्जैक्टली है। और ये सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स हैं, आप उनको यहाँ आपको उनके नाम दिखेंगे, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, मैक्स वेबर और इमाइल डुर्खिम। तो ये सेकुलराइजेशन थ्योरी है, इसमें जो फैक्टर्स दिए हैं ये आपको समझने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कम्युनिटी का डिक्लाइन हो गया, ठीक है, कम्युनिटी वैल्यूज़ ही नहीं है तो रिलीजन नहीं, अर्बनाइजेशन हो गया, एजुकेशन बढ़ गई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वर्क नेचर चेंज हो गया, ठीक है। ये मतलब ये मेनली ये हमारे लेवल 3 का मेन टॉपिक है, वर्क नेचर कैसे चेंज हो, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, देन सोशल मोबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, देन इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिज्म कास्ट का घटने का रिड्यूस होने का एक मेन रीज़न है। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इज सुप्रीम, मतलब आपको जिंदा रहना है, चाहे आप कुछ करो, आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, एनीथिंग। लॉकडाउन क्या है, दिस इज इंडिविजुअलिज्म, भैया मत निकलो, कुछ मत करो, घर से बाहर मत निकलो, लेकिन आपको वो करना। एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या कहता है, जैसे अभी कोई अपर कास्ट का बंदा, सपोज एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चार वर्ण सिस्टम की बात करें, तो ये लोग अपने को सुपीरियर कहते हैं, इनको कहते हैं नहीं, दीज आर इन्फीरियर। लेकिन इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, ये भी उतने ही सुपीरियर हैं जितने कि ये सुपीरियर हैं। और अगर आप बात करो आज के दलित कैपिटलिज्म की या किसी भी चीज़ की बात करो, तो आप ये चीज़ देखते हो, एनीवन कैन बिकम रैंक 1 इन UPSC एग्जामिनेशन, पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद जो यंग जनरेशन है वो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट, कन्वेंशन के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, देन वुमेन का लिबरेशन मूवमेंट आता है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आती हैं। अभी हम पर्सपेक्टिव के कुछ एडवांस लेक्चर्स देखेंगे, कुछ यूट्यूब पे भी रहेंगे, उसमें हम देखेंगे 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या थी, रेडिकल थियोलॉजी आती है, ठीक है, और देन रेडिकल पॉलिटिक्स आ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन थ्योरी के। देन इसी में एक ये कहते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस, ये जो सोशलाइजेशन थ्योरी है ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। तो इस हिस्टोरिकल प्रोसेस में क्या होता है कि रिलीजन अपनी सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस धीरे धीरे लूज करता जाता है। और इस प्रोसेस की स्टडी को अगर आप कर ले जाओ तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस अपनी सोशल सिग्निफिकेंस लूज़ करते जाए। तो सेकुलराइजेशन डेफिनेशन में हमेशा इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ की बात जरूर करनी है। देन क्रिश्चियन स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी और आप इसको रिलेट कर पाओगे अपने टाइम से, पहली थ्योरी भी रिलेट करोगे, ये वाला व्यू पॉइंट पर आप उससे रिलेट करोगे। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी क्यों होती है, ठीक है,
सेकुलर लोग आपको हर रिलीजन में मिलेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम में रिलीजन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि सेकुलराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इलाइट्स होते हैं, वो प्रमोट करते हैं सेकुलराइजेशन को, क्योंकि उनको अपना खुद का स्टेटस इम्प्रूव करना होता है। ये मेन रीज़न इन्होंने क्रिश्चियन स्मिथ ने बताया था। इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल्स की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, हॉस्टाइल होते हैं ये नेटिव कल्चर के लिए। आप देखो वामपंथी स्कॉलर्स हैं, वो गालियां देते ही मिलेंगे हिंदू रिलीजन को, उनको उसमें कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, चाहे वो खुद हिंदू हों। आधे से ज़्यादा वामपंथी स्कॉलर हिंदू हैं, दे आर नॉट रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने रिफॉर्म कर दिए हिंदू धर्म में, ये लोग रिफॉर्मर्स नहीं हैं। द हिंदू में जो लोग आर्टिकल लिखते हैं वो क्या है, वो हॉस्टाइल है नेटिव कल्चर के लिए। तो क्रिश्चियन स्मिथ की थ्योरी कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंडिकेट करती है, आप ये समझो कि हिंदू के लोग नेगेटिव क्यों हैं द हिंदू के। तो इन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन जैसे थ्योरी कुछ नहीं होता, ये मतलब लोगों के पास पैसा आ जाता है, उनको अपना स्टेटस बढ़ाना है। देन कल्चर कैंप, ठीक है, कैंप मतलब होता है कुछ स्ट्रगल, ठीक है, जैसे एडोल्फ हिटलर की जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी माइन कैंप, तो इस तरह से कल्चरल, ये जर्मन वर्ड है कल्चरल कैंप, इसका मतलब होता है कल्चरल स्ट्रगल। तो ये जर्मनी में हुआ था डेफिनेटली, सेकुलर और रिलीजियस अथॉरिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ प्रशिया, जर्मनी पहले प्रशिया था अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा, और रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक ये दो चर्च हैं, प्रोटेस्टेंट उनके बाद जो रिफॉर्म हुआ था, तो फिर ये थोड़ा लिबरल लोग हैं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसको हम कहते हैं कल्चरल कैंप। ये 10-10 नंबर के लिए आपको रटने, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, टाइम ज्योग्राफी क्या है, कॉम्पेज क्या है, ये सारी चीज़ें, तो आपको ऐसे ऐसे पूछ सकता है। देन गैलिकनिज्म और फेब्रोनियनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो स्टेट अथॉरिटी इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ पोप, जो स्टेट अथॉरिटी है पोप के कंपेरेबल है, और जो ये गैलिकनिज्म है या फेब्रोनियनिज्म, दोनों वाला सिमिलर मूवमेंट है, ये जर्मनी में हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। इसका मतलब ये कहता है कि जो नेशनल कस्टम्स हैं उस कंट्री के, राष्ट्रीय रीति रिवाज हैं, उनको रोमन रेगुलेशन, मतलब कैथोलिक चर्च, रोमन चर्च के रेगुलेशंस को ट्रंप, मतलब पीछे करना है। जॉन मैकग्रेवी का इनका ये व्यू पॉइंट था। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है जो जर्मनी में था, वही कॉन्सेप्ट है लमसम, और उनके लिए टर्म्स अलग अलग यूज़ हो रही हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म, ये तो हमने देख लिया कि सेकुलरिज्म वर्क कैसे कर रहा है। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, मतलब इसका न्यू सेकुलरेशन देखेंगे, तो बहुत ही डिसेंट है इसके क्रिटिसिज्म। आप देखोगे मतलब लिटरली ये पॉइंट्स आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकुलराइजेशन के क्रिटिसिज्म देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। सेकुलराइजेशन का पहला जो रीज़न है ना, लोग ये समझते हैं सेकुलराइजेशन का मतलब हो गया रिलीजन ख़त्म हो गया, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़ की, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू खत्म करना ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं है। जैसे विल्सन ने कहा था सोशल सिस्टम आज के टाइम में फंक्शन करते हैं बिना रिलीजियस लेजिटिमाइजेशन के, आज भी चलते हैं, लोग बिना ब्राह्मण बिना पंडित जी को बुला के घर में पूजा करते हैं। आप अपने घर में पूजा कर लेते हो, उसके लिए आप हर बार बुलाते नहीं हो, ठीक है। शादी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आज के डेट में 501 ब्राह्मणों को भोज कराओ, आप 4 को भी करा के कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो वेरी ओकेजनली रिलीजन को सपोर्ट करती है, और कभी कभी लोग नहीं करते, मेरी मर्जी, आज मैं अपने रिलीजन को सपोर्ट करता हूँ, कल मैं अपने रिलीजन के अगेंस्ट, जब मेरे लिए जैसा फ़ायदा तब मैं उस तरह से हो जाता हूँ। इनफैक्ट मैं भी हो सकता हूँ ये मैं, और ये मैं आप भी हो सकते हो, ठीक है। थॉमस होब्स ये कहते हैं, थॉमस होब्स टेल्स मैन बाई नेचर इज सेल्फिश, ठीक। तो क्योंकि हम अपने नेचर से खुद ही सेल्फिश हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को डिफाइन करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग जीते हैं। देन इसके बाद ये कहते हैं सेकुलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है ये। जैसे अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव्स की, हम बात करें कुंस पैराडाइम क्या कहता है, एक पर्सपेक्टिव चल रहा है, ठीक है, आज इसकी वैल्यू है, अब दूसरा पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव डिक्रीज करेगा, ठीक है। सपोज कोई वैल्यू थी, कास्ट सिस्टम है, डिक्रीज करेगी, इसके साथ ही एक नया पर्सपेक्टिव राइज होना स्टार्ट होगा, तो राइज होगा, फिर इसका कुछ प्लेट्यू आएगा, मतलब कि हाँ लोग मानेंगे, फिर इसको कहेंगे नहीं ये सिस्टम ख़राब है इसका, जब लोग क्रिटिसिज्म करेंगे। इसके बाद तीसरा सिस्टम इसी फेज़ में आना स्टार्ट होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रांगली चलेगा, लाइक दैट। तो न्यू पैराडाइम होता है, तो सेकुलरिज्म का मतलब सपोज आपका ये एक रिलीजन है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो दूसरा रिलीजन इमर्ज करेगा, फिर कुछ टाइम में डिक्लाइन करेगा, लेकिन ऐसा, ये सेकुलराइजेशन का फेस है डेफिनेटली, ये भी सेकुलराइजेशन का फेस है, लेकिन एक तीसरा रिलीजन भी आ जाता है। जैसे न्यू रिलीजियस मूवमेंट में आप इंडिया में आज देख सकते हो सिखिज्म होता है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट NRM एक बड़ा टॉपिक है, हालांकि हम ज्योग्राफी में कवर नहीं करेंगे ऑप्शनल में, ठीक है। तो बहुत सी थ्योरीज ये कहती हैं कि जो रिलीजियस परसिस्टेंट है उसकी वजह से न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं। आजकल इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे रिलीजन्स हैं। देन एक और चीज़ है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि आज के वर्ल्ड में अगर आप देखो तो रिलीजन इज जस्ट वन अनदर एलिमेंट,
जिनकी वजह से सोसाइटी चलती है। ठीक है, आज की डेट में आप देखो कुछ लोग फेमिनिस्ट हैं, कुछ लोग गे हैं, कुछ लोग फलाने हैं, कुछ लोग उसी तरह से, कुछ लोग रिलीजन को मानने वाले हैं। ठीक है, इनके अपने फॉलोअर्स हैं, इनके अपने फॉलोअर्स हैं, इनके अपने फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को गालियाँ देते हैं, इनके अपने फॉलोअर्स हैं, कुछ लोगों का काम है फेसबुक ट्विटर पर लड़ना बस बैठ के, उनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं। तो ये सोसाइटी, मतलब जितना इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं उतनी इंपॉर्टेंट रिलीजन है आज के टाइम में। ये बर्गर ने कहा था, या बर्जर ने कहा था, मतलब इनको याद करने के लिए मैंने बर्गर लिख दिया था। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, इनको इंडिविजुअली आप बैठ के सोचना, मतलब दोज आर वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स। सेकुलराइजेशन इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, मतलब सेकुलराइजेशन हो रहा है, आपने कहा कि ये रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर रिलीजन का राइज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो सेकुलराइज्म को आप एक कुंस पैराडाइम से रिलेट जरूर करना, जैसे मैंने कर बताया ना, ये है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है लाइक दैट, तो ये विद टाइम है और ये न्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो सेकुलराइजेशन इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, हर जगह नहीं होगा, और साथ में अगर होगा भी तो ऐसा नहीं है कि सेम डिग्री के साथ हो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें एक तरफ तो डिक्रीज ऑफ रिलीजन होता है, दूसरी तरफ एंटी सेकुलर टेंडेंसीज़ भी आती हैं। आप आज के टाइम में देखो, अगर सपोज दो रिलीजन है, उसमें एक रिलीजन का तो सेकुलराइजेशन हो गया, लेकिन दूसरे रिलीजन का सेकुलराइजेशन नहीं हो रहा है, नॉट दिस। ठीक है, तो इस रिलीजन के लोग वापस से एंटी सेकुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें फिर रिलीजियस टेंडेंसीज राइज होना स्टार्ट होती हैं। जैसे इसका मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप उसमें कंट्रोवर्सी में मत घुस जाना प्लीज़, देखो इस्लाम है कहीं ना कहीं मोस्ट फंडामेंटलिस्ट रिलीजन्स में से एक है दुनिया में। हिंदू धर्म के लोग धीरे धीरे सेकुलर होते जा रहे हैं, इस्लाम में भी हो रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हो रहे। तो अब अल्टीमेटली इनको अपने रिलीजन पे थ्रेट दिख रहा है, और रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ मासेस, जैसे कि मैंने कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ है। तो अब इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा रिलीजन खतरे में, तो इसमें कुछ लोग अब जैसे अब राइट विंग पॉलिटिक्स इमर्ज होती जा रही है, तो लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं आपको ये कहूँगा नहीं कि आप एग्ज़ाम में लिखो। ठीक है, देन जो सेकुलरिज्म थ्योरी है वो ये कहती है, सेकुलराइजेशन थ्योरी जो हमने बात की थी, कि सोसाइटी सेकुलराइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, पहले मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट होते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट होते हैं, फिर सेकुलराइजेशन आता है। तो हैंस ब्लूमेनबर्ग, इन्होंने थ्योरी दी है, इन्होंने कहा जो मॉडर्न एज है, आज की एज है, वो इस एंशियंट और मिडिवल एज से तो टोटली इंडिपेंडेंट है, उससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मिडिल एज का आप तो आप कह सकते हो कि एंशियंट एरा में रिलीजन की कुछ इश्यूज थे, तो मिडिल एज एक रिहेबिलिटेशन था थियोलॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म में, क्योंकि रिलीजन की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आपको उन इंस्टीट्यूशंस को डिक्लाइन करना था, तो मिडिल एजेस में था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो तो सेकुलराइजेशन है वो सेकुलर सेल्फ अफर्मेशन ऑफ कल्चर, मतलब सेकुलरी आपने खुद को मान लिया, उससे नहीं ग्रो होता है। कि अगर आप सेकुलरिज्म को अगर आप रिलीजियस ट्रेडिशन के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हो तो उससे नहीं होता, ये अपने आप होने लगता है कि मेरी मर्जी है। ठीक है, मुझे किसी ने सेकुलर नहीं बनाया, और आई एम रिलीजियस, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, आई एम रिलीजियस, बट जब मेरा मन होता है तो मैं पूजा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इनका जो हैंस ब्लूमबर्ग का है, आपको दिखता होगा कि सोसाइटी सेकुलर है, लेकिन एक्चुअल में वो सेकुलर नहीं है। उन्होंने थ्योरम ऑफ सेकुलराइजेशन को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब इन्होंने सीधे कहा कि मिडिल एज एंशियंट एज से तो रिलेटेड, लेकिन मॉडर्न एज इससे कहीं रिलेटेड नहीं है। बस हैंस ब्लूमबर्ग की थ्योरी यही है। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें, ये भी क्रिटिसिज्म है, तो स्टेट को पब्लिक स्फेयर में देखा जाता है, और रिलीजन तो प्राइवेट स्फेयर ऑफ लाइफ है। विल्सन ने पूरी टेंशन ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा सेकुलराइजेशन जैसी कुछ चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, बस सेकुलरिज्म सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर में आ गया, सेकुलरिज्म में जो टैलकॉट पर्सन ने कहा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो सेकुलरिज्म यहाँ हो रहा है, स्टेट अलग हो गया, और ये वाला मतलब रिलीजियस कंट्रोल ओवर स्टेट हट गया, तो रिलीजियस बॉडीज अलग हुई, स्टेट अलग हुआ। इसे इंडिया में कैसे हुआ था, आर्टिकल 27 25 से लेके ऊपर, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इस तरह से मॉडर्निटी, सॉरी, ये स्टेट अलग हो जाता है, वो पब्लिक स्फेयर है, और रिलीजन आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन जाते हैं। मैं किस भगवान को मानता हूँ, किस वैल्यूज़ को मानता हूँ, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देन बर्जर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू कहा है, आपको लिखना हो तो लिख सकता है, एग्जाम्पल मत लिखना, बट आई हैव रिटन हियर, एग्जाम में मत लिखना। बर्जर ने कहा कि मॉडर्नाइजेशन से सेकुलराइजेशन नहीं होता है, लेकिन रीअफर्मेशन ऑफ रिलीजन लोग करने लग जाते हैं, स्पेशली वो रिलीजन जिन्हें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, जैसे आज के टाइम में इस्लामिक वर्ल्ड में। तो इन्होंने पूरी केस स्टडी दी थी, तो आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो ऐसे कर दो, मॉडर्नाइजेशन से भी रिलीजियस वैल्यूज़ बढ़ेंगी जो आपके ऑप्रेस्ड लोग होंगे। तो इसको अगर आप देखो कि रिलीजन की वैल्यू है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है, तो वो सब पॉलिटिकल मूवमेंट है, हम लेवल 3 में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन से उन रिलीजन की वैल्यू, रिलीजियस वैल्यूज़ इंप्रूव हो रही हैं।
देन इसके अलावा जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो डेवलप हो जाता है, नॉन रिलीजियस सोसाइटी नहीं डेवलप होती है, ठीक है। सेम बंदा हिंदुइज्म को मानने लगता है, वो इस्लाम की भी रेस्पेक्ट करता है, वो जैनिज्म बुद्धिज्म की भी रेस्पेक्ट करता है और नॉन रिलीजियस लोगों की भी, एथिस्ट लोगों की भी रेस्पेक्ट करता है। और डेविड मार्टिन ने सीधे कहा था, इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट तो इन्होंने ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन्होंने कहा जो सेकुलर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एलिमेंट है सेकुलराइजेशन में। तो अगर आप इनकी बात देखो तो कहीं ना कहीं जो हमने पहले पेज पर डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इज़ दिस वन ओनली। अब देखते हैं न्यू सेकुलराइजेशन क्या है, उसके आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हो, सोसाइटी सेकुलराइज नहीं होती है, न्यू सेकुलराइजेशन आने लगता है। तो इसको मार्क चेवेज एंड एन जे डीमेरथ ने दिया था, तो ये आपको 10 नंबर के हिसाब से तैयार करना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं वो सब आपको तैयार करने चाहिए, न्यू बिहेवियरलिज्म क्या है, न्यू रेडिकलिज्म क्या है, ठीक है, न्यू पॉजिटिविज्म क्या है, न्यू एनवायरमेंटलिज्म क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म, ये सब न्यू वाले क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं एग्जाम में और ये आपको नॉर्मली दिखते नहीं हैं। तो न्यू सेकुलराइजेशन हर टर्म में जितने भी पर्सपेक्टिव में, जितने भी तरह के पर्सपेक्टिव हैं उनका न्यू नया पर्सपेक्टिव, नव धर्म निरपेक्षीकरण हमें देखना है। तो ये क्या कहता है, इवन इफ़ रिलीजियस अफर्मेशन इज नॉट कमिंग डाउन, लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही है, मतलब मैं भगवान को उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था, पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं घर में 4 आम की लकड़ियाँ लाके और 10 रुपये का पैकेट लाके और घी लाके, 10 रुपये की हवन सामग्री का पैकेट लाके घी लाके हवन कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे नमाज़ पढ़नी है लेकिन मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, मैं घर में ही 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूंगा, तो रिलीजियस एफिलेशन तो नहीं गिर रहा है लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, पहले के टाइम में बर्थ लोग कहते थे कि मतलब बच्चों को, मतलब जितने बच्चे पैदा हों उन्हें पैदा करो, अदरवाइज आप रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। हिंदू धर्म में भी होता था, इस्लाम में आज भी दिखता है, क्रिश्चियनिटी में आज भी कई जगह दिखता है, ठीक है। जो माल्थस की पॉपुलेशन की थ्योरी है वो ये कहता है कि बर्थ कंट्रोल में रिलीजन का क्या रोल था, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल एक इकोनॉमिक और सोशल पर्सपेक्टिव से जोड़ दिया आज के टाइम में लोगों ने, ना कि रिलीजन से। तो इस तरह से न्यू सेकुलराइजेशन ऐसा है, न्यू सेकुलराइजेशन की मीनिंग ये है, रिलीजन रहेगा लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी मतलब इंस्टीट्यूशन का ही डिक्लाइन होगा। और न्यू सेकुलराइजेशन क्या करता है, ये जो सेकुलराइजेशन है उसकी डेफिनेशन को ब्रॉडन करता है, किस चीज़ को इंक्लूड करता है, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी और इसकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी। मतलब आज मंदिर मस्जिद चर्च से लोग जो भी कहेंगे हम उसे नहीं मानेंगे, हम रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, हालांकि हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे लेकिन उनकी बात नहीं सुनेंगे, खराब बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। और ये सेकुलरिज्म को इस तरह से डिफाइन करता है कि रिलीजियस अथॉरिटीज धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, तो दिस इज न्यू सेकुलराइजेशन। तो आई थिंक ये टॉपिक दिस इज सफिशिएंट, देन इसके बाद सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट हम देखेंगे लेवल 3 के लेक्चर में, तो यहाँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दिस लेक्चर इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड एट वेबसाइट, तो आप ये देख सकते हो कॉलोनियल इराम में कैसे हुआ, देन सेकुलराइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ, इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। बिलीव मी ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो यू कैन सपोर्ट अस, आप ज्वाइन कर सकते हो, अब हमें तो क्या सपोर्ट करो, खुद को भी कर सकते हो। सो टेस्ट सीरीज एंड क्लासरूम कोर्सेज अवेलेबल, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसका असाइनमेंट लिख के, जो भी क्वेश्चन है, इसमें तो खैर क्वेश्चन नहीं आया, तो आप शॉर्ट नोट्स इन टॉपिक्स पर लिख के दे सकते हो, जो भी इस पूरे लेक्चर में कवर किए हुए हैं शॉर्ट नोट आप इन पर लिखो, डिफरेंशिएशन डेइज्म और ये सारी थ्योरीज पर लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।